इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। दोस्तों क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिया एक फोटो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन एक अच्छी फोटो नहीं खींच पाती है। तो वो सोचती है क्यों ना गूगल से ही एक फोटो उठा ली जाए। रिया ने गूगल से एक बहुत ही अच्छी फोटो उठाई, उसको एडिट किया और कॉन्टेस्ट में भेज दिया। पर कॉन्टेस्ट के जजेस तुरंत समझ गए कि ये एक फेक फोटो है। पर कैसे जजेस को ये कैसे समझता है कि रिया ने एक फेक फोटो भेजी है? क्या आप इस फोटो को देखकर बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। अगर आप फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि तारे चांद के ऊपर है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एक फेक फोटो है और एडिटेड है, इसलिए जजेस को समझ जाता है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इस इमोजी के पीछे कौन सी एक्ट्रेस है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए।
दोस्तों, क्या आपने इसका जवाब कमेंट किया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इस इमोजी के पीछे ये एक्ट्रेस है। दोस्तों, क्या आपने इस एक्ट्रेस को पहचान लिया था? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, ये कौन सी फिल्म है? और इस सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है, उन सबका धन्यवाद। लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। उनमें से पहले 6 लोगों के नाम है रीना देवी, गोल्डी सुमन, लक्ष्मी खोचड़े, मोनू धामा, अनिल गावकर और आरती पनवार। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, इस इमेज को ध्यान से देखकर बताइए ये कौन सी फिल्म है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जिसमें 3 इमेजेस को मिलाकर किसी एक फल का नाम बनता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस फल का नाम क्या है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? अगर नहीं किया तो आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पहली इमेज में दिख रही है सेफ्टी पिंस और दूसरी इमेज में दिख रहा है एक मोबाइल ऐप का लोगो, मतलब एक ऐप। और तीसरी इमेज में दिख रही है मेडिकल टैबलेट्स, मतलब पिल्स। तो इन तीनों इमेजेस को मिलाकर, मतलब पिन, ऐप और पील को मिलाकर बनता है पाइनएप्पल, जो कि एक फल का नाम है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब कमेंट किया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।